हेलो आई एम रश्मि पटेल। आज आप एक्टिविटी और वॉइस नहीं है परफेक्ट टेंस जो आ रही है तो केवल आपने चार्ट में ही हूं चार्ट पर हाउ टू फाइंड टेंस परफेक्ट टेंस मेरा मतलब टेंस नाम है टेंस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस लास्ट वीडियो नहीं ना अपने चालू कार्ड की वीडियो बनाओ ये जो हवा अपने जैसे पूर्ण कार्ड की वीडियो बनाओ तो पहले टाइम से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कोई फिर बाइक अपने वाट नहीं तो ऊपर कार्य में देवा केस ना होगी तो पहले अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं एक्टिव होने वाला केस था जी सो उसे बाकी सब सब्जेक्ट के सब्जेक्ट प्लस कोई पर क्रिया में पूर्ण बताओ मत है अपने का टू फॉर्म ना उसके लिए टू हैव फॉर्म ना उसके प्रेजेंट का भी पूर्ण फॉर्म क्या उसे हैव हैज तो ये सो उसे सब्जेक्ट बची हैव हैज के हैज का लग भी जाता है नेक्स्ट टू हैव हैज पर आपने वर्ब का फॉर्म उसके लिए जी पूर्ण काम में अंदर आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म उसके लिए गुड गुड लो उसके लिए वर्ब का कौन हो सकता है थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट रासायनिक वाक्य से नहीं एक्टिव वॉइस तो ये आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो आपने वाटे हुई सो माने आपने पहला से फाइव हुआ थी एस वी हो अने यार बस ये कन्वर्ट ऑब्जेक्ट भी टू सब्जेक्ट डालने से ऑब्जेक्ट है हम सब मतलब ये सब्जेक्ट में है चार अंतर लगे थे ऑब्जेक्ट बस सब्जेक्ट ही हो कर्मणी कर्ता विभक्ति बना गई थी प्लस जेबी फर्स्ट पार्ट होगी ये कार्ड में ये आपने पैसिव वॉइस का पढ़ा था पहले उस बात रही लाइक हैज हैव प्लस कोई पैसिव वॉइस के अंदर वहां वो अपने हमेशा थर्ड फॉर्म होगी तो अन्य अंदर जो एक्टिव वॉइस और बे बात है तो पैसिव वॉइस देना हमने पहले दे बे ट्रोन बात की है जो यहां बे हो गया ट्रोन लाइक के पहले बे का ट्रोन है और बे बच्चे कैसे तो यार बच्चे वर्ब आउट से वर्ब का फॉर्म है थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस कंप्लीशन फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म એટલે અહીંયા પણ ગ્રુપ કરીને જે પણ અહીંયા ગ્રુપ કરીને પર આપણે બીન કોઈ ફોર્મ લખું છે પૂર્ણ કાઢીને તો બીન ચાલુ કાઢીને આપણે બીન યુઝ કરી અને પૂર્ણ કાઢીને આપણે સબ સોઈ સ્ક્રોલ છે બીન યુઝ કરો છે યાદ રાખો ઓકે પ્લસ રેકોગ્નિશન બાય પ્લસ આપણે સબ્જેક્ટ શું બોલાય છે ઓબ્જેક્ટ કટાડી કર્મ વિભક્તિ એટલે ઓબ્જેક્ટ આવશે समझ पाने सबसे पहले का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे चाहिए आपके जैसे कीजिए का पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस ये जब पर सेम आपके जैसे होना से सब्जेक्ट प्लस हैव हैज तो इन्हें ने पूरा कर लेना आपने हैव ना पास्ट फॉर्म में इसके लिए तो हैव ना पास्ट फॉर्म आप प्रेजेंट फॉर्म हो तो ये पास्ट फॉर्म कुछ कौन से हैव टू हैव प्लस हेड प्लस पूरा क्रिया जैसा हमारा पूरी का जैसा उसके लिए बी नो प्लस वर्ब नो थर्ड फॉर्म प्लस प्रेपोजिशन उसके लिए प्लस सब्जेक्ट यहाँ पे सुबह लिखो ऑब्जेक्ट का कर्मर मिले ऑब्जेक्ट तो आपने वाक्य से मतलब चेंज कर लो ये प्रेजेंट का नहीं आपने हैव यूज के लिए हैव हैज ने पास्ट टेंस से मेरे है आठों फर्क पड़ से जो हैव हैज हो प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म है पैसिव वॉइस नहीं प्रेजेंट परफेक्ट भी आपके पास है एंड प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव वाक्य के हिसाब से पास्ट परफेक्ट आप लोग फाइंड करो मैंने चार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माटे पहेलो वाक्य एग्जांपल लईए। Jeremy has drawn these pictures. Jeremy has drawn these pictures. Jeremy has drawn these pictures. का वाक्य क्या है? Present perfect. क्यों बोल रहे हैं? Has plus verb third form. तो ये has plus verb third form. ये पास्ट को प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य सर है एस वी ओ फाइंड ए एस वी ओ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट को शू कहते हैं फर्स्ट फर्स्ट मतलब तो एस वी ओ फाइंड करो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के कन्वर्ट करें इसे सब्जेक्ट के रिलेशन में से दिस पिक्चर्स दिस पिक्चर्स क्या होते हैं अगर दिस पिक्चर्स द पिक्चर्स गुणाकार में पेशी वॉइस में आप समझ गए बीन पेशी बना माने बीन बीन प्लस वोकल परफॉर्म में या वोकल परफॉर्म में आपके ड्रोन इसे ड्रोन हमें वर्ब लग क्या बचा आपने सुनते हैं एडिंग वर्ब इसको प्रेपोजिशन इसको बोलेंगे प्रेपोजिशन से ये बाय कोई प्रेपोजिशन इसके लिए पेशी वॉइस में करना है बाय और आपने सब्जेक्ट में से बना दो ऑब्जेक्ट वेरी नाउ क्या वेरी वेरी आपने वाक्य सारे Jeremy has drawn these pictures. The PCO is from another way. So, these pictures have been drawn by Jeremy. So, I have to go to the PCO is from you. Next, would you make example? You have formatted your book today. You have forgotten your books. Today, you have forgotten your books today. Ever as you find it, you as O V. So your books is only object. We have after only much other level. So your books, books today, very good. Like that. So let's see. Plural is have. I'll be going have. So as you can see, sign that level. So have your books have. અને પૂર્ણ વાક્ય આપ સામે છે બી બી વર્બલ પરફોર્મ યુઝ કરીએ ફોર્મ ફોર ફોરગોટન ફોરગોટન ઇસ ફોરગોટન અને વર્બ યુઝ કરીએ આપ સામે છે એપ્રિસિયેટ ફોરગોટન બાય ફોરગોટન બાય સબ્જેક્ટ ને ઓબ્જેક્ટ માં કન્વર્ટ થઈ યુ યુ નો ઓબ્જેક્ટ હશે યુઝ રહેશે યુ ટુડે અડર વર્ડ આપ્યો પછી લે ટુડે ઓકે નેક્સ્ટ હી યુ नेक्स्ट इट अपने नेगेटिव ऑपरेशन के लिए एनी सर नेगेटिव फर्स्ट एग्जांपल अभी सुन डसन हैज नॉट फिनिश्ड योर वर्क डसन हैज नॉट फिनिश्ड योर वर्क क्या ऑपरेशन नॉट नकार बना मत समझ के लिए नॉट में या नॉट में से અહીંયા પણ એસો એસ વી ઓ ફાઇન એસ વી ઓ જે ઓબ્જેક્ટ છે એ ક્યાં આવશે આગળ યોર બુક યોર સોરી યોર વર્ક યોર વર્ક સાથે શું આવશે હેવ યોર વર્ક હેવ સોરી હેસ યોર વર્ક હેસ કમ યોર વર્ક હેસ અને એની સાથે આપણે યુઝ કરીશું not negative not nakar sanso not ane apne ye short form apan use kare liye as done the liye apan kar sakte okay your work has not I yahan apan use kare liye be kriya
फिर बात बेसिक ऑफ प्रॉपर्टी में जो बोल दिया लेना है इसमें क्वेश्चन बी इसको से हैज नॉट थोड़ा हैज सर बी मैं वॉक थ्रू परफॉर्म इसके लिए थर्ड वाला भी फिनिश वॉक यूज करिए बच्चा पसंद है इसके लिए प्रपोजिशन बाय एंड ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कन्वर्ट करिए सो दैट्स ऑल से दर्शन ओके नेगेटिव में वॉक इसका देखिए नेक्स्ट क्विज एग्जांपल हमारा कौन है विडी हैज नॉट विडी हैज नॉट फिनिश द वर्क पहली बार सुपर फिनिश कौन यूज करने और क्या लगी है विडी हैज नॉट फिनिश द वर्क नेक्स्ट वीडियो एग्जांपल तो ये द गर्ल्स हैव सेंड द नोट सॉन्ग्स द गर्ल्स हैव सेंड द सॉन्ग्स आपने क्या मार्क एग्जांपल अबे वाके पेसिव वर्ब्स बनने तुम्हारा पेसिव वर्ब्स का कन्वर्ट कौन से प्रेजेंट परफेक्ट ना ओके नेक्स्ट आपने वीडियो टेंस जो है सेव अलग वापस करें बच्चा बच्चा
प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होता है, बाय बाय हंड्रेड ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट का मैनिफेस्टेशन है, मनन मनन लिखना हो मनन अने जो अदर आप क्या जो बीजो वाक्य ना पे कॉपी करें बिफोर आई लेव ओके तो ये एक नेगेटिव वाक्य से पहले एग्जांपल लीजिए
सारे यूज करेंगे वर्क, तो वर्क तो कोई फॉर्म आवे परफेक्ट है पैसिव में क्या हमेशा अपने पास पास पार्टिसिपेंट पे ही मैंने पास पार्टिसिपेंट फॉर्म आ गई है वर्क पास पार्टिसिपेंट फॉर्म में से प्लस वर्क के साथ साथ सारे यूज करेंगे बाय प्रीपोजिशन बाय प्रीपोजिशन आवे प्लस ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट का समाकलन करेंगे ऑब्जेक्ट नियंत्रण ओके तो है इतना कुछ है आप सिंपल है भी जो ये है ओके तो फर्स्ट एग्जांपल जो इशू माधवी विल हैव फिनिश पेन माधवी विल हैव फिनिश माधवी विल हैव फिनिश हर होमवर्क हर होमवर्क before 6 o'clock तो अब आप देखिए इसमें Madhvi we have finished her homework before 6 o'clock यहीं पर आपने फाइल में S V O ऑब्जेक्ट आपने सेंड नहीं करना कैसे सब्जेक्ट नहीं देने पहला ऑब्जेक्ट हर होमवर्क और सबसे आपने विल आप कीजिए सब्जेक्ट हेल्पिंग हो तो आपने हेल्पिंग हो करके विल नो यूज करिसु और બીજો પાર્ટ આપણે છે હેવ અહીંયા પણ આપણે હેવ નો યુઝ કરીશું એટલે આપણી વાક્ય સાથે સબ્જેક્ટ પ્લસ મોડલ ઓફ સેન્સ પર હેવ તો આપણી આખી વાક્ય સાથે કમ્પ્લીટ થઈ હવે પછી પરફેક્ટ ઇન્ટરેક્શન કે શું છે આપણે બીન તો શું આવશે વિલ હેવ બીન બીન લખ્યા પછી આપણે સામે શું છે વર્બ નો વર્બ મેઇન વર્બ તો મેઇન વર્બ શું છે ફિનિશ ફિનિશ નું वर्ब नो कोई फॉर्म रखा जाए थर्ड फॉर्म तो फिनिश का थर्ड फॉर्म से कैसे फिनिश है जैसे आई हैव बीन लाइक यू से कहो फिनिश है जैसे फिनिश और वर्ब दैट क्या पैसे करके आपने सामने से कही बाय नो बाय प्रीपोजिशन प्लस सामने से कही मार सब्जेक्ट सब्जेक्ट में आपने सामने से कर रखे हो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट शू होते मार भी ना कन्वर्ट करें ऑब्जेक्ट माधवी राज्य बाकी से इस बच्चों का एक कॉपी में सुन बिफोर सिक्स ऑफ क्लॉक ओके नेक्स्ट लीजिए एक एग्जांपल जो है नेक्स्ट लीजिए जो एग्जांपल ये नेगेटिव जो है नेगेटिव एग्जांपल ही कैन नॉट ही कैन नॉट हैव मेड हैव made toys okay he cannot have made toys toys ka apna sanya kar rahe hain svo file s v o file svo subject verb object object convert object into subject yani subject ke andar convert kare toys toys kuch aur suno helping of jeeves ke m a b aapke se kyun je negative to cannot जीपन मॉडल ऑफ सेंटेंस आप पेज कॉपी करो कैन नॉट और कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म ऑफ कर दो कांट ले कांट एना पछि पण हैव आप लीजिए हैव इज टू के पूर्ण पाठ दर्शा हो गया अपने परफेक्ट सर पर सर इसके लिए आपने बीन नो मॉडल ऑफ सेंटेंस प्लस हैव प्लस बीन सो आवे बी हैव बीन और वर्ब थर्ड फॉर्म परफेक्ट इन द वर्ब आप थर्ड फॉर्म में इसके लिए सो आवे बीन वर्ब बीन नो मेड अने ऑब्जेक्ट तरीके समझ के लिए बाय सॉरी प्रीपोजिशन के समझ के लिए बाय नो बाय अने ये सब्जेक्ट चेंज सारा करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के लिए इन ऑब्जेक्ट से वैसे किम अब घर के एक एक बीच वाक्य आप लोग घर की वर्क पार्टी वी वुड नॉट हैव सीन वी वुड नॉट हैव सीन the film store the film store next video example lo the children may not have the children may not have attend the magic show attend
मैजिक शो। बाबे मोहम्मद कुमार ऐसे